जयराम ठाकुर ने सीएम बनने के बाद मात्र एक वर्ष में ही मार्जिन एंड प्रॉफिट एक्ट को हटाकर प्रदेश के 80% व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। इस एक्ट को हटाने की मांग व्यापारी वर्ग वर्षों से कर रहा था, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये बात महासचिव व्यापार मंडल मंडी प्रशांत बहल ने मंडी में कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के मात्र एक वर्ष में ही मार्जिन एंड प्रॉफिट एक्ट को हटाकर प्रदेश के 80% व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। इस एक्ट के हटने की मांग व्यापारी वर्ग काफी वर्षों से कर रहा था, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ये बात व्यापार मंडल मंडी के महासचिव प्रशांत बहल ने मंडी में कही। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल मंडी 22 सितंबर को मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अभिनंदन करेगी। व्यापार मंडल के इस अभिनंदन समारोह का निमंत्रण मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने बताया कि मंडी जिला को पहली बार सीएम की सौगात मिली है और अब तक व्यापार मंडल सीएम का अभिनंदन नहीं कर पाया था। बहल ने कहा कि इस बात को लेकर 22 सितंबर को मंडी जिला व्यापार मंडल की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह के लिए जिला के सभी व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भी भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी मंडल के साथ पंजीकृत नहीं है तो भी वे इस समारोह में आ सकता है। आज हमने यहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि 22 सितंबर इतवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके अभिनंदन में महासमारोह करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और इसीलिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया ताकि हमारे सभी व्यापारी भाइयों, चाहे वो हमारे व्यापारी भाई व्यापार मंडल के साथ रजिस्टर्ड हैं चाहे नहीं हैं, उन सभी को हम इस महासम्मेलन में आमंत्रित कर सकें।